अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे। मैं आपका होस्ट मोहम्मद राशिद। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सन 2024 में हमें प्याज लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, और क्या प्याज 2024 में ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा। वीडियो के साथ जुड़े रहें। सब दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें और शेयर करें अपने व्यूज। आपके जो भी रिव्यूज हैं मेरे बारे में, आपको कोई भी मसला है तो व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अपने मसाइल बता सकते हैं, आपके मसाइल पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सन 2024 में प्याज कितना लगेगा, ज्यादा लगेगा, कम लगेगा, क्या हालात होंगे इस साल, ये सवाल फार्मर अक्सर पूछ लेते हैं। और उनका यही रुझान होता है कि हमें ये पता चल जाए कि हमें प्याज लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मैं अक्सर फार्मर से एक गिला करता हूं कि हम उन्हें जब मना करते हैं कि इस साल वो चीज़ ना लगाएं, वो उस दिन उस साल वो चीज़ बहुत ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भेड़ चाल बहुत है और हर फार्मर दूसरे को देखकर चीज़ें लगाता है, काश करता है। पिछले साल जो ओवरऑल प्याज की हालत थी वो ये थी कि प्याज के रेट बहुत अच्छे थे, फार्मर्स ने अच्छी कमाई की है इसमें से। हो सकता है कुछ फार्मर्स के साथ अच्छा सीजन ना गुजरा हो, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्याज को बहुत अच्छे प्राइसेस मिले थे, मार्केट से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, जिसकी वजह से जो फार्मर का रुझान इस साल है वो ज़्यादा है। इस साल प्याज के डिमांड ज़्यादा नज़र आ रही है और हर तरफ जो है ना प्याज लगने के चांसेस ज़्यादा है। सिंध में भी इस साल जो प्याज लगना है वो लग चुका है और काफ़ी ज़्यादा लगा है इस साल भी। तो अगर प्याज इस साल भी सिंध में सर्वाइव कर गया तो हो सकता है प्याज के रेट थोड़े से डाउन हो सकते हैं, लेकिन अगर प्याज को सिंध में हालात ख़राब हुए तो फिर वो जो पंजाब और KVK के जो फार्मर्स हैं उनको बहुत अच्छे प्राइसेस मिलने के चांसेस हैं। वैसे भी जो हालात चल रहे हैं, प्याज को मौसम कुछ ऐसे मिल जाते हैं जिसकी वजह से प्याज के रेट अच्छे बन जाते हैं, तो ओवरऑल प्याज अच्छा ही रहेगा। लेकिन फिर भी एहतियात यही है कि आप मिक्सअप कोशिश करें कि मल्टीपल क्रॉप्स को जगह दें, एक क्रॉप को बहुत ज़्यादा जगह मत दें। मैं फिर भी नहीं सजेशन दूंगा कि आप प्याज ज़्यादा काश करें, क्योंकि जब मेरा एक तजुर्बा ये है कि जिस साल जो चीज़ ज़्यादा लगती है उसके उस साल बहुत बुरे हालात होते हैं। लेकिन फिर भी फार्मर तो नहीं मना होगा, लेकिन कोशिश करें कि एक एवरेज जगह दें। अगर आपके पास 10 एकड़ जगह है तो आप कोशिश करें कि 5 एकड़ पे प्याज, अगर आपका 10 एकड़ पे प्याज काश करना है तो 5 एकड़ पर क्या प्याज काश करें, साथ में बाकी सब्जियां काश करें, गंदम को जगह दें और चीज़ों को जगह दें, तो इस तरीके से आपको नुकसान कम से कम होगा। तो उम्मीद तो है कि इस साल प्याज बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पिछले साल प्याज के बहुत अच्छे प्राइसेस थे। तो फार्मर जब जिस चीज़ के प्राइसेस पिछले साल ज़्यादा होते हैं वो इसके उस अगले साल आने वाले साल में उस चीज़ की बहुत ज़्यादा काश होने के चांसेस होते हैं। तो 2024 में अब जो फसल लगने वाली है अक्टूबर में, उसमें चांसेस यही हैं कि फार्मर बहुत ज़्यादा प्याज काश करेगा। तो ये कुछ सवाल थे फार्मर्स के जहन में, तो इसका जवाब देना लाजमी समझता था मैं, फिर भी मैं मना करूँगा, कोशिश करें कि एवरेज काश करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि स्वातवन और हाइब्रिड प्याज की कीमतें 2024 में, अक्टूबर 2024 में हमें क्या हम मिलने वाली है। तो अभी से जो जो फार्मर्स हैं वो तो परचेजिंग करना शुरू कर गए हैं, प्राइसेस कुछ जगहों पे अनाउंस हो भी गई हैं और कुछ जगहों पे नहीं भी अनाउंस हुए, आने वाली वीडियो में वो लाजमी देखिए। तो इंशाल्लाह नई वीडियो में दोबारा हाजिर होगा, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।